हेलो दोस्तों पेबल्स के डियर जिंदगी में मैं राज आपका स्वागत करता हूं आज का हमारा टॉपिक है थिंक ऑफ द सॉल्यूशंस एंड नॉट द प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन के बारे में बात कीजिए प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं इसका मतलब क्या है देखिए हम सभी छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक बड़े बूढ़ों तक हम सभी का लाइफ इतना सरल नहीं है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं हमें हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और हम हमेशा उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते रहते हैं चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना क्या होता है और सोल्यूशंस के ऊपर बात करना क्या होता है जब आप सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करोगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है इसके वजह से ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे आपको कभी उसमें से रास्ता नहीं मिलेगा आप छूट नहीं पाओगे लेकिन जब आप सोल्यूशंस के बारे में बात करते हो किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर आप अगर सोचते हो तो आपको बहुत सारे रास्ते आपके सामने खुल जाते हैं मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के ये बात समझाता हूँ मेरा एक एम्प्लॉय था हमें एक सेमिनार के लिए होटल या हॉल कुछ तो बुक करना था अब वो मेरे पास आया उसने मुझे कहा कि सर ये संडे का सेमिनार तो हमारा हो नहीं पाएगा मैंने कहा क्यों क्यों नहीं हो पाएगा सर नहीं सारे हॉल्स जो है मतलब शादी के जो हॉल्स होते हैं छोटे छोटे हॉल्स जो होते हैं वो सारे बुकड है नहीं हो पाएगा अब ये आदमी मुझे प्रॉब्लम बता रहा था कि ये सेमिनार नहीं हो पाएगा तो अगर मैंने फिर उसे ये कहा होता जनरली हम क्या करते हैं इसके ऊपर हम उसको कहते हैं कि फिर तुमने पहले ही बुकिंग क्यों नहीं किया तो अगर तुम्हें पता था ये डेट है तो तुमने पहले बुकिंग क्यों नहीं किया तो अब अब तुम मेरे पास क्यों आए हो वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इससे क्या होगा हम दोनों सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा सेमिनार नहीं हो पाएगा राइट right? अब मैंने ये चीज नहीं की मैंने प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचा मैंने सोल्यूशन के ऊपर ध्यान दिया और मैंने सिर्फ उसे एक एक शब्द से पूछना शुरू किया उसने जब कहा कि सर यह सेमिनार नहीं हो पाएगा क्योंकि सारे हॉल्स बुक है तो मैंने कहा तो फिर क्या करना चाहिए तो उसने कहा सर अभी देखो हॉल तो बुक है तो हम होटल्स में शायद होटल का जो बड़ा सेमिनार रूम्स होता है वो ले सकते हैं तो मैंने कहा हाँ वो भी ले सकते हैं तो फिर क्या करना चाहिए हमें तो उसने कहा कुछ नहीं सर मैं अभी बाहर जाके इंक्वायरी करता हूँ हमारे आसपास या हमारे सिटी में जो अच्छे अच्छे हॉल्स है होटल्स है थ्री स्टार होटल्स है वहाँ के हॉल्स के बारे में इंक्वायरी करता हूँ तो मैंने कहा हाँ ऐसा ही करना चाहिए फिर सर लेकिन उसके चार्जेस तो बहुत ज़्यादा होंगे मैंने बोला हाँ तो तो उसने कहा सर फिर हमें जो एंट्री फीस है उसे बढ़ानी पड़ेगी मैंने बोला अरे हाँ बढ़ानी पड़ेगी तो फिर तो फिर सर बढ़ा दे एंट्री फ़ी लेकिन सर लोग आएंगे मैंने कहा हाँ ये भी चीज़ है अगर उन्हें पता ही नहीं है तो, तो फिर सर एक बात करते हैं कि मैं सबको ईमेल और फ़ोन करके बताता हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम है वो नॉर्मल सामान्य हॉल में नहीं है तो थ्री स्टार होटल में है इसलिए हमारी फ़ी ज़्यादा है फिर वो फ़ी जस्टिफाई हो जाएगी मैंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है तो फिर हमें क्या करना चाहिए कुछ नहीं सर मैं उनके उनसे बात करता हूँ सभी होटल से और फिर मैं आपको बताता हूँ तो मैंने कहा हाँ बराबर है ऐसा ही करना चाहिए फिर वो वहाँ से चला गया अब यहाँ मैंने उसे एक भी प्रॉब्लम उसके प्रॉब्लम के बारे में नहीं बात की मैंने सिर्फ बात की हाँ ऐसा ही करना चाहिए और क्या करना चाहिए फिर क्या करना चाहिए तो उसने सॉल्यूशंस के ऊपर बात चालू कर दी उसने कहा कि हाँ सर हमारे पास सॉल्यूशन है हम नॉर्मल हॉल से लेकर थ्री स्टार होटल में जाएंगे वहां अच्छा बड़ा सेमिनार कंडक्ट करेंगे मैं सभी के सभी होटल्स की मैं इंक्वायरी करता हूँ रेट्स क्या है उसमें से जो अफोर्डेबल है उसे ले लेंगे फिर हमारे जो जितने आने वाले लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है उन सबको फ़ोन करके मैं बता दूंगा वेन्यू चेंज हो गया है प्राइस चेंज हो गई है वॉट एवर वॉट एयर वॉट एयर और फिर जिस दिन डिसाइड किया था उसी दिन हमारा सेमिनार हो गया अब ये बंदा तो मेरे पास आया था कि सेमिनार होगा ही नहीं ये बताने के लिए लेकिन जब वो वहां से बाहर गया तब उसके पास सोल्यूशंस था क्यों क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ सोल्यूशन पर बात की मैंने उसके प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं की तो याद रखिए कि हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बात करनी चाहिए उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर डिस्कस करना चाहिए जब तक हम अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते रहेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं एक बार मैं ड्रामा डायरेक्ट कर रहा था स्टेट लेवल साइंस कंपटीशन थी मतलब बेस्ड ऑन साइंस ड्रामा था और स्कूल के बच्चों को लेकर करना था और ऐसी बात हो गई कि जिन लड़कों को हमने लिया था लड़के और लड़कियों को लिया था उसमें से दो छोड़कर लगभग सारे वो ड्रामा को छोड़ के चले गए अब हमारे लोग परेशान कि अब क्या करें अब तो ड्रामा होगा ही नहीं तो हमने फिर फिर हमारी जो मीटिंग थी उसमें झगड़ा शुरू हो गया कि पहले ही उनको पूछ लेना चाहिए था कंफर्म कर लेना चाहिए था अब क्या करेंगे स्कूल में कंप्लेन करेंगे उनकी कि इन लोगों ने बीच में छोड़ दिया ये सारी बातें चल रही थी एक दूसरे के ऊपर सिर्फ आरोप चल रहे थे उस प्रॉब्लम को लेकर कि इन बच्चों ने ड्रामा छोड़ दिया अभी नाटक खत्म ये ड्रामा नहीं हो पाएगा और तभी मैं सिर्फ देख रहा था शांत बैठ के देख रहा था और तभी एज अ डायरेक्टर मैं था तो लास्ट में सारी सुइया सारी बंदूकें मेरी तरफ आ गई फिर उन्होंने कहा अब क्या करेंगे अब तो ड्रामा होने वाला नहीं है मैंने कहा क्यों नहीं होगा ड्रामा ड्रामा तो होगा उन्होंने कहा लेकिन आ, आर्टिस्ट कहाँ हैं मैंने बोला अरे हाँ आर्टिस्ट तो छोड़ के चले गए फिर क्या कर सकते हैं फिर एक एक ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया अब तक एक घंटा वो लोग सिर्फ झगड़ रहे थे एक प्रॉब्लम को लेकर लेकिन अब उन्होंने सोल्यूशंस पर विचार करना शुरू कर दिया फिर उन्होंने सोचा तो ऐसे करेंगे कि हम अ, अलग अलग स्कूल में जाएंगे और फिर उनके प्रिंसिपल या इनसे बात बातें करेंगे और उन्हें कहेंगे कि आप सजेस्ट करो आपके पास कोई बच्चे है या नहीं है तो मैं बोला हाँ ये भी हो सकता है तो क्या करेंगे तो उन्होंने कहा उसमें से एक ने कहा ठीक है मैं जाके अ, सारे टीचर्स से मिलता हूँ और बात करता हूँ मैंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन क्या उन्हें एक्टिंग आती होगी तो फिर दूसरे ने कहा सर एक्टिंग नहीं आती होगी तो हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा थोड़ा उनका क्लास लेना पड़ेगा आ, कुछ सेशंस ऐसे लेने पड़ेंगे जो ड्रामा मेन ड्रामा से हटकर है और फिर उन्हें तैयार करना पड़ेगा मैंने कहा हाँ ऐसे ही तैयार करना चाहिए उनको तो अब क्या करेंगे हम लोग तो फिर सब लोग गुड़ गए चलो हम काम पर लगते ले कर आते और दूसरे दिन हमारे जो स्टारकास्ट था वो पूरा का पूरा पूरा हो गया सारे नए बच्चे मिल गए उनसे अच्छे लोग मिल गए जो छोड़ के गए थे उनसे अच्छे लोग मिल गए और उस ड्रामा ने स्टेट कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता राइटिंग डायरेक्शन, बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस ये सारे अवार्ड्स एंड बेस्ट ड्रामा ये सारे अवार्ड्स उसी ड्रामा को मिल गए लेकिन आप सोचिए अगर हम उसी प्रॉब्लम को लेकर बैठे होते और एक दूसरे पर सिर्फ आरोप करते होते तो क्या होता था ना तो ड्रामा होता था तो अवार्ड्स मिलते थे और आप ये मत समझिए कि ये सीख सिर्फ बड़े लोगों के लिए है नहीं है, ऐसा नहीं है जब आप आपके बच्चों के साथ बातें करते हो तब भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे हमेशा प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और हम उन्हें डांटने के सिवाय और कुछ नहीं करते अगर कोई बच्चा है आपका और वो स्कूल में जाते समय आपके पास आ गया कि मम्मी मेरी पेंसिल खो गई है मेरा पेन खो गया तो आप क्या कहते हो आप उन्हें कहते हो ऐसे कैसे खो गई अरे अगर उससे पता होता कैसे खो गई तो वो खो कैसे जाती वो खो गई है इसलिए तो भैया वो आपके पास आया है कि मम्मी ये पेंसिल खो गई है या पेन खो गया है लेकिन आप उससे ऐसे बात करते हो कि ऐसे कैसे हो गया तूने ध्यान क्यों नहीं दिया तुम ठीक ठीक जगह पर रखते नहीं हो एक जगह डिसाइडेड नहीं है तुम्हारी स्कूल से आके तुम्हारी बैग यहीं वहीं फेंक देते हो फिर अगर वो छोटा बच्चा और मम्मी डैडी है तो बात यहाँ तक आ जाती है कि तुम्हें पता है वो पेंसिल की कीमत क्या होती है पेंसिल फॉर सेक ऑफ नेम इसकी कीमत क्या होती है हम उसके लिए कितने कष्ट उठाते हैं तुम्हें पैसों की कदर ही नहीं है माँ बाप की कदर नहीं है यहां तक आते हुए मैंने देखा है लेकिन अगर उसके बजाय आप और इसमें क्या होगा आपका दिमाग तो चढ़ जाएगा बच्चा रोने लगेगा एंड ही विल स्टेड हेटिंग यू इन हीज माइंड वो ये सोच लेगा कि अगली बार इनके पास जाना ही बेकार है ये लोग मेरे काम के नहीं है ये मुझे किसी प्रकार की मदद नहीं करेंगे लेकिन अगर आपने इस प्रॉब्लम की वजह उसके सोल्यूशन पर ध्यान दिया तो अगर आपसे आपका बच्चा कह रहा है कि मेरा पेन खो गया है पेंसिल खो गई है तो आप भी पूछ सकते अरे ऐसा हुआ क्योंकि जो हो चुका वो हो चुका वो तो आप रिपीट होने वाला नहीं है आप टाइम मशीन तो नहीं है आपके पास कि आप पहले समय में जाओ और ढूंढो देखो कहाँ पेंसिल रखी है उसे उठाकर लेके आओ ये तो नहीं हो सकता जो हो गया वो हो गया उसे छोड़ दीजिए और अब उस प्रॉब्लम की वजह सोल्यूशन पर ध्यान दीजिए तो आप पूछिए अरे हाँ ये तो खो गई तो अब अब क्या करेंगे तो वो बच्चा खुद ही आपको कहेगा कि मामा मैं ऐसा करूं क्या कि आपके पास जो है वो पेंसिल आप मुझे दे दो या फिर मैं ऐसा करूं कि स्कूल के बाहर जो शॉप है वो खुली रहेगी मैं उसे परचेस कर लेता हूं वो खुद आपको सॉल्यूशंस देने लगेगा आप किसी के साथ में भी बात करते हुए अगर प्रॉब्लम्स पर बात करोगे तो वो बातें कब झगड़ा बन जाएगी आपको समझ में भी नहीं आएगा मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग उदाहरण बताता हूँ एग्जाम्पल जो मेरी खुद की लड़की का है जो आठ साल की है थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ती है अब उसे किसी श्लोक गीता का रिसाइटेशन करना था और चौ, चौदहवें अध्याय को दस भागों में मतलब बीस श्लोक उसको अलग अलग करने थे एक ऑडियो फाइल थी एम थ्री फाइल और उसे वो मुझसे चाहिए थी तो उसने मुझे कहा कि तीन चार दिन हो गए मैं आपसे रोज़ बात कर रही हूँ तो आप मुझे दे नहीं रहे मैं बाहर कब करूँगी मेरी कॉम्पिटिशन पास में आ रही है तो अब कैसा होगा आप हमेशा ऐसा ही करते हो ये करते हो वो करते हो तो नेचुरली जब ये छोटे बच्चे जब आप पर आरोप लगाते हैं तब आप भी कहते तो तूने क्यों नहीं किया मुझे बहुत काम है मैं क्या खाली बैठा रहता हूँ क्या ये वो ये वो बातें सब उसकी बजाय मैंने उसे पूछा सिखाया कि हाँ तो अभी तक तो मैंने नहीं किया तो क्या हो सकता है अभी मुझे टाइम ही नहीं है मेरा शूटिंग है तो क्या करेंगे फिर तो उसने कहा कि हमारे स्कूल के सामने एक स्टूडियो है साउंड स्टूडियो जहाँ हमारी टीचर जाके करती है वहाँ जाके अब मैं मम्मी को लेके जाती हूँ और वहाँ जाके करके लाती हूँ मैंने बोला हाँ ये भी सोल्यूशन है अब देखिए सोल्यूशन से सोल्यूशन कैसे निकलता है और आप खुद कैसे काम करने लगते हो वो देखिए उसने कहा हाँ तो उसकी मम्मी ने कहा हाँ ठीक है मैं जाती हूँ उसके साथ उनका चार्ज पाँच हजार रुपये है वो आप मुझे दे दो अब जब ये बात मुझ तक आ गई पैसों तक पाँच हजार रुपये देने हैं तो मैंने कहा नहीं 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 एक आधे घंटे का काम है मेरे लिए आज मैं ही ऑफिस जाके उसके लिए कर देता हूँ और तुम्हें भेज देता हूँ तो ये चीज़ होती है सोल्यूशन पर बात करना सोल्यूशन पर बात करोगे तो आपके सामने हजारों रास्ते खुल जाएंगे लेकिन प्रॉब्लम्स को लेकर अगर आप बैठोगे तो वो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे फिर वो प्रॉब्लम किसी इंसान की हो किसी वस्तु की हो या किसी परिस्थिति की हो तो दोस्तों मुझे आज, आज आपसे यही कहना है कि आपके जीवन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम को लेकर सिर्फ प्रॉब्लम पर बात करते के दूसरों के साथ झगड़ा मत कीजिए दूसरों के साथ बहस मत कीजिए उससे आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन कभी नहीं मिलेगा उसकी बजाय आप सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कीजिए सॉल्यूशंस पे बात कीजिए और जब आप सॉल्यूशंस पे बात की करेंगे तब एक में से दूसरा दूसरे से में तीसरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और आपको खुद आश्चर्य होगा कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था अब तक तो मैंने नहीं सोचा था और आपका काम उसी वक्त हो गया समझो थैंक यू वेरी मच तो आज से हम सभी सोल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे प्रॉब्लम पर नहीं तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए कमेंट्स में आपके विचार मुझे जरूर लिखिए नए विचारों के या नए विषयों का सुझाव कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच